कांग्रेस के दो दिग्गज नेता पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केरल से पार्टी सांसद शशि थरूर। सूत्रों के मुताबिक गहलोत 26 से 28 सितंबर के बीच कभी भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वहीं थरूर ने भी सोमवार को सोनिया गांधी से मिलकर मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक थरूर ने सोमवार को पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी। हालांकि सोनिया ने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि चुनाव लड़ने का फैसला आपका है, यानी आपका कॉल है। पार्टी की चुनावी प्रक्रिया तय नियमों के हिसाब से ही होगी, इसमें सभी को बराबर का अधिकार है। अगर गहलोत और थरूर चुनाव लड़ते हैं तो 20 साल बाद ऐसा पहली बार होगा जब गांधी परिवार से अलग कोई कैंडिडेट चुनावी मैदान में होगा। इससे पहले नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहने के दौरान सीताराम केसरी पार्टी अध्यक्ष का चुनाव जीते थे। हाल ही में कांग्रेस के युवा सदस्यों ने पार्टी में बदलाव के लिए एक ऑनलाइन याचिका दी थी। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद थरूर ने ट्विटर पर इसका समर्थन किया। कार्यकर्ताओं की याचिका शेयर करते हुए थरूर ने लिखा, मैं इस याचिका का स्वागत करता हूँ। इसमें अब तक 650 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर किए। मुझे इसका समर्थन कर आगे बढ़ाने में खुशी हो रही है।